खुम्भा देवरी में 2 दिवसीय हरि कीर्तन का हुआ शुभारंभ, कल समापन के साथ यज्ञ और विशाल भंडारे का होगा आयोजन। लालगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत खुम्भा देवरी में 2 दिवसीय हरि कीर्तन का आरंभ हो गया, कल समापन के साथ यज्ञ और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के व्यवस्थापक संतोष कुमार सिंह अफ्रीका के घाना शहर में कंस्ट्रक्शन विभाग में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया के दिन मां काली मंदिर पर चरण पादुका परिक्रमा कलश यात्रा निकलती थी, उसके बाद 3 दिन तक भागवत कथा और यज्ञ होती थी, लेकिन दादी का निधन हो जाने के कारण कार्यक्रम को संक्षिप्त कर दिया गया है। आज माँ काली मंदिर पर हरि कीर्तन का शुभारम्भ हुआ है, कल इसका समापन होगा। समापन के बाद यज्ञ होगा और उसके बाद सायंकाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर भूप नारायण सिंह, संतोष कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह, संजय सिंह, विनय सिंह, विवेकानंद सिंह, मधुसूदन सिंह, रामावत पांडे, पूर्व प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह, शिव शंकर मिश्रा आदि लोग विशेष रूप से उपस्थित रहे। मैं संतोष कुमार सिंह समस्त परिवार एवं कुम्हादेवी ग्रामवासियों के साथ हर वर्ष भद्रकाली मूर्ति की स्थापना का वार्षिकोत्सव अक्षय नवमी के दिन मनाते हैं, जिसमें पादुका पूजा, पादुका परिक्रमा गांव की होती है और उसके बाद रामायण का आयोजन होता था और उसके बाद हवन एवं भंडारे का आयोजन होता था। लेकिन इस साल हमारी बूढ़ी दादी माँ के देहांत की वजह से कुछ कार्यक्रम में परिवर्तन हुआ है। उसमें आज से हर कीर्तन शुरू हुआ है और कल हर कीर्तन, अखंड हर कीर्तन के बाद उसका हवन होगा। हर कीर्तन कहने के लिए रामा शीश बागी जो सुरसोग्राम टीवी प्रोग्राम के उप विजेता हैं, वो उनकी टीम द्वारा हर कीर्तन किया जा रहा है। उसके बाद हवन होगा, हवन के बाद भंडारे का आयोजन होगा। धन्यवाद, थैंक यू।